किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखो किसान भाइयों, गन्ने में स्प्रे की जा रही है। गन्ने में किसी प्रकार की सुंडी हो, टिड्डा हो, टॉप बोरर की तितली हो या अन्य सभी प्रकार के रोग हो, टॉप बोरर हो या फिर कोई भी ऐसा रोग हो जो कि गन्ने के लिए खतरनाक है, ये किसान भाइयों ये 0118 गन्ने की पिड्डी है, इसमें स्प्रे किया जा रहा है। दवाई दिखाता हूँ मैं, दवाई इसमें हम डाल रही है एवं एक्टिवेन बेंजुएट है 5% एसजी फॉर्म में, और इसी के साथ है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लिया है थर्मेथेक्सम 12.6% और लैम्डा साइपलमेथ्रीन 9.5% जेडसी फॉर्म में। इसी के साथ किसान भाइयों ये एनपीके लिया गया है, तरल एनपीके। किसान साथियों गन्ने में कोई भी रोग, हमने एक स्प्रे इसमें पिछले महीने लगाया था और लगभग 30 से 35 दिन हो गए, और 30 से 35 दिन बाद हम एक स्प्रे और लगा रहे हैं। देखो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग गन्ने में नहीं आएगा। जब भी आप स्प्रे लगाएं, तो मेरा शाम के समय लगाए, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजे स्प्रे लगा रहे हैं और गन्ने में पानी दे दिया गया था पहले, और पानी देने के 2 से 3 दिन हो गए हैं लगभग, आज हम गन्ने में स्प्रे लगा रहे हैं। स्प्रे से देखिए सुंडी का जो तितली है, तो बोरे की तितली कैसे उड़ती जा रही है एकदम, कैसे कितने टिड्डा है, तितली है, सुंडी है, सब मर जाएगी बिल्कुल, कोई भी रोग गन्ने में नहीं रहेगा। किसान भाइयों जब भी आप अपने गन्ने पर स्प्रे करें, हमेशा एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें 30 दिन पर स्प्रे करना ही करना है, 35 दिन पर या 40 दिन पर, जितना भी पिछली दवाई का जो आपने इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया है, जितना भी उसका रिजल्ट हो, उसके उतने दिन बाद ही आपको तुरंत स्प्रे करना है, किसी भी प्रकार की आप ढिलाई ना करें। किसान साथियों क्योंकि यदि आप अपने गन्ने में थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे तो आपके गन्ने में भारी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। यदि एक बार रोग लग गया तो रोग हटाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए रोग लगने ही मत दीजिए। रोग लगने से पहले ही आप अपने गन्ने में स्प्रे कराइए। जितने प्रकार की सुंडी है, तितली है, टिड्डा है या चींटियाँ है, सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पहले ही पा लेंगे। यदि आपके गन्ने में रोग नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर आपका जो पैदावार है बहुत ही शानदार जाके निकलेगी। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, खेती संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।